अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लखनवी पुलाव। तो ये मैंने गोश्त लिया है, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है और कुकर में डाल लिया है। और यहीं पे मैंने इसके कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है धनिया साबुत, और मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सौंफ। ये दोनों हम अपने कुकर में डाल देंगे। और यहीं पर मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए है, 1 तेज़पत्ता लिया है, ये भी हम कुकर में डाल देंगे। और ये मैंने 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है, 1 लहसुन की, ये देखिए 1 लहसुन की कली ली है मैंने, इसको भी हम कुकर में ही डालेंगे। और ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने कुकर में डाल लिया है। ये देखिए मैंने इन सबको कुकर में डाल लिया है। और यहीं पर डाल देंगे हम पानी, मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी का डाल दिया है। और यहीं पे डाल देंगे हम नमक। तो हम इसको देखिए, मैंने कुकर को रख लिया है गैस पे, यहीं पे नमक डाल देते हैं। नमक नहीं डाला है अब तक हमने इसमें, तो नमक डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। कुकर का लगा देते हैं ढक्कन और उसमें 3 सीटी लगवा लेंगे हम। 3 सीटी आने के बाद चेक करें, कुकर में 3 सीटी आ गई है, चलिए खोल लेते हैं इसको। देखिए मैंने अपने कुकर को खोल लिया है, हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब हम जो इसका पानी है वो अलग कर लेते हैं, और जो गोश्त है वो अलग कर लेते हैं, जो इसके मसाले हैं वो हम नहीं डालेंगे, उनको हम अलग निकाल देंगे। तो चलिए छोंक पुलाव को छोंक लेते लेते हैं। हैं। मैंने ये एक बर्तन रख लिया है गैस पे, और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम यहाँ पे लौंग डाल देंगे, ये मैंने 4 से 5 लौंग डाल दी है कढ़ाई में। यहीं पे हम 3 छोटी इलायची डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, और यहीं पर डाल देंगे हम 1 टीस्पून जीरा। हल्का सा सुनहरा हो जाने देंगे हम इसे। हमारा जीरा जो है हल्का सा सुनहरा हो गया है। अब हम यहाँ पे ये लहसुन और अदरक डाल देंगे, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, कूटा हुआ है। मिला लेंगे इसको भी अच्छे से। अब हम यहीं पे डाल देंगे अपना ये गोश्त जो हमने उबाल के रखा हुआ है, मिलाएंगे इसको अच्छे से। अब हम यहीं पे दही डालेंगे, यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून दही का डाल दिया है मैंने, इसको भी मैंने हम इन अच्छे सबको से भून डाल। लिया है 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक डालने के बाद। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। नमक हम यहाँ पे बहुत ही ध्यान से डालेंगे, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक का डाला है। अब हम यहीं पे पानी डाल देते हैं। पानी मैंने यहाँ 1.5 गिलास लिया है, क्योंकि 1 गिलास चावल का डालने वाली हूँ मैं, कच्चा बासमती चावल लिया है मैंने। तो मैंने यखनी का और वैसा टोटल हमारा 1.5 गिलास है। तो यहाँ पे हम अपनी कढ़ाई का लगा देते हैं ढक्कन, उबाला जाने देंगे, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये हमारे पानी में उबाल आ गया है, अब हम यहाँ पे चावल डाल देते हैं। ये मैंने चावल 15-20 मिनट से भिगोया हुआ था, ये देखिए चावल डाल दिए हैं हमने इसमें। अब हम इसको मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे, और यहीं पे हम नमक चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है। गैस का फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। अब हम कढ़ाई का लगा देते हैं ढक्कन, इसको पकाएंगे हम 8-10 मिनट के लिए, बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे। हमारी पुलाव को मीडियम हाई फ्लेम पर पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए इसका जो पानी है लगभग सारा खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत जो बचा है जो इसकी तली में है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज डाल देते हैं। मैंने इसमें 2 दफ़ा चम्मच चलाया है, तो ये देखिए मैंने प्याज डाल दी है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा जर्दा का कलर डाल देंगे, ये मैंने 1 चुटकी जर्दा का कलर और 1 टीस्पून पानी में घोल लिया है, ये देखिए ये डाल दिया हमने। और बस फिर से हम इसका ढक्कन लगा देते हैं, और 1 मिनट इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं, दिखाएंगे आपको। देखिए मैंने इसको 1 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है पिछले 5 मिनट से। ये देखिए हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गई है, तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। हमारी गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी लखनवी पुलाव बन के तैयार हो गई है। ये मैंने इसके साथ हरी चटनी ली है, बहुत ही बढ़िया बनी है, मज़ेदार है, टेस्टी है, आप ज़रूर से बनाएगा।
आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।